दोस्तों, अगर आपने भी येस बैंक के शेयर में पैसा लगाया है या फिर लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले जान लीजिए कि येस बैंक के शेयर पर एनालिस्ट क्या कहते हैं। तो सेंट्रम ब्रोकिंग के टेक्निकल और डेरिवेटिव इक्विटी रिसर्च के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट नीलेश जैन ने कहा है कि येस बैंक के शेयर नेगेटिव सेगमेंट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। जैन ने कहा है कि येस बैंक के शेयर ने अपने बड़े सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया है। इसका ये सपोर्ट लेवल 11.10 रुपये पर था। लंबे समय तक कंसोलिडेट के बाद येस बैंक के शेयर में ये ब्रेकआउट आया है। नीलेश जैन येस बैंक के मौजूदा निवेशकों को सजग रहने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस शेयर में टेक्निकल के नाम पर ज़्यादा कुछ भी नहीं है, लिहाजा बेहतर यही है कि येस बैंक के बजाय किसी दूसरे सरकारी या प्राइवेट बैंक में निवेश किया जाए। दोस्तों, नीलेश जैन को उम्मीद है कि येस बैंक के शेयर एक बार फिर 12.50 रुपये के लेवल पर आ सकते हैं, लेकिन वो निवेशकों को ये सुझाव दे रहे हैं कि येस बैंक के शेयर में कोई ताज़ा निवेश ना करें। हालांकि ट्रेडर के तौर पर अगर फिर भी कोई येस बैंक के शेयर में निवेश करना चाहता है तो उसे 9.950 रुपए पर एंट्री लेनी चाहिए। जैन ने ये भी कहा कि सही मौका देखकर निवेशकों को येस बैंक से निकल जाना चाहिए। येस बैंक के शेयर फिलहाल अपने 52 वीक के हाई से 50% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। 11 दिसंबर 2020 को येस बैंक के शेयर का 52 वीक का हाई 20.75 रुपये था, जबकि इसका 52 वीक का लो 10.50 है। येस बैंक ने 23 अगस्त 2021 को अपना एक साल का लो छुआ है। येस बैंक ने अतुल मलिक और रेखा मूर्ति को बोर्ड के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है। इसी के साथ येस बैंक के बोर्ड में सदस्यों की संख्या 10 हो गई है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको मालूम चल गया होगा कि येस बैंक के शेयर में अभी क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ अपडेट येस बैंक को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।